जी, संगत जी, नाना गुरु जी, आज अमृत वेला में बुलाने का संगत जी, मैं थोड़ा सा अमृत वेला के बारे में बताऊंगी जो गुरु जी ने हमें सुनवाया। हमें भी कुछ भी पता नहीं था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमने भी गुरु जी से मांग मांग के ये चीज़ें सब ली हैं। गुरु जी से मांगा कि गुरु जी कुछ तो बताओ कि अमृत वेला कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे। तो गुरु जी ने हमारे घर आंटी को भेजा, बुलबुल आंटी को। देखो अब सेकंड टाइम आंटी यहाँ पे आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी हमें बार बार आंटी को भेज के सिखा रहे हैं कि आप इनसे सीखो। अगर आंटी हमें कोई चीज़ पे अगर डांटते भी हैं तो ये गुरु जी का हुक्म है कि गुरु जी हमें ऐसे सिखाएंगे, हमें उस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अमृत वेला से गुरु जी ने हमें क्या क्या सिखाया। गुरु जी ने अमृत वेला से हमें ये सिखाया कि संगत जी, हमें सबसे पहले अमृत वेला इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इंसान को देखने से पहले अपने गुरु को देखें। सुबह सुबह हमें जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं वो सब गुरु जी से मिलती हैं। हमें अपने आप को आईने में देखने से पहले सबसे पहले अपने सदगुरु को देखना चाहिए। हमें किसी के आगे मिन्नतें करने से या घुटने टेकने से पहले अपने सदगुरु के आगे भिखारी बन के रहना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने सतगुरु के आगे भिखारी बन जाते हैं ना संगत जी अमृत वेला में, उसके बाद हमें पूरा दिन किसी के आगे हमें नीचे, गुरु जी नीचे नहीं होने देते। गुरु जी अपनी संगत को इतना ऊंचा कर देते हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी मन के भाव वैसे देखते हैं कि सुबह आप हमें गुरु जी को अमृत वेला, हमें गुरु जी के साथ पहले सबसे पहले किसी और से मिलने से पहले अपने सतगुरु से मिलना चाहिए। संगत जी मेरे घर में कल सत्संग हुआ 2 घंटे का, तो उसमें गुरुजी ने मुझे व्याख्या सुनवाई अमृत वेला के लिए। उन्होंने मुझे इसमें ये सुनवाया कि जो हम शाम का पाठ करते हैं, रहरस साहिब जी का पाठ होता है, वो हमारी कमाई को फूल लगाता है, और जो सुबह का अमृत वेला का पाठ होता है वो हमारी कमाई को फल लगाता है। तो संगत जी हमें फूल भी लगाने हैं और फल भी लगाने हैं। सिर्फ एक चीज नहीं, अगर हम गुरुजी से सब कुछ मांगते हैं तो गुरुजी हमें बार बार सुनाते हैं कि अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। संगत जी एक दिन, दो दिन, चार दिन, आजकल तो हमारी गुरुजी ने ऐसी संगत बना दी हुई है कि वो हमें कॉल करके भी उठाते हैं कि सुबह आप हमारी सेवा आंटी, आप उठिए, हम आपको कॉल भी कर देंगे। और हम कई बार एक्सक्यूजेस भी दे देते हैं कि हम बीमार हैं, हमें बुखार है, हम नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ भी है। संगत जी ये सब छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हैं। अमृत वेला करने के बाद हमारी लाइफ गुरु जी बिल्कुल पलट के रख देते हैं। हमें खुद भी पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी हमें किसी के आगे बिल्कुल भी नीचे नहीं होने देते कि आप सुबह सुबह अपने रब को टाइम दीजिए। संगत जी जैसे हम अपना शरीर बढ़ते हैं ना, हम खाना खाते हैं, हम अपने शरीर में भोजन डालते हैं, उसी तरह सबसे पहले हमें सुबह अपनी आत्मा बननी है। वो आत्मा हमारी कैसे बनेगी? अमृत वेला से। तो लख लख शुक्राना दिल्ली की संगत का, बुलबुल आंटी का, जो हमें बार बार गुरु जी इनको भेजते हैं और हमें सिखाते हैं। और लख लख शुक्राना मेरे मालिक का जो हमें बार बार ये ऐसा ऐसा मौका आया। तो हम इतने खुश थे कि गुरु जी घर में सत्संग करते हैं तो हमें सेवा मिलती है, लेकिन आज हम संगत के रूप में बैठ के सत्संग सुनेंगे क्योंकि आंटी आ रहे हैं और हम तो बैठ के सुनेंगे। तो शुक्राना अंकल, आपने आंटी और उनको बुलाया, गुरुजी ने बुलवाया और आपने हमें ऐसा मौका दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।